नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन में आपका स्वागत है। जो पहले हमने वीडियोस अपलोड की थी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की रिक्रूटमेंट के लिए और जॉब प्रोफाइल ऑफ एएलसीज के लिए, उसमें हमें कुछ कमेंट्स मिले थे जिसमें कैंडिडेट्स को कुछ कंफ्यूजन था, कैंडिडेट्स के कुछ क्वेश्चन थे कि अगर हम एज एन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी पोस्टिंग लोकेशंस क्या होंगी, एक ऑफिस में कितने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम एक वीडियोज लेके आए हैं। जो वीडियो है डिटेल्स ऑफ पोस्टिंग, दैट इज रीजन वाइज ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल। जो भी रीजन वाइज पोस्टिंग्स होंगी, कहाँ कितने एलसी होंगे, किस लोकेशन में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल बैठता है, तो उससे रिलेटेड हम एक ये वीडियो लेके आए हैं। कैंडिडेट सेलेक्टेड एज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल विल बी पोस्टेड टू सर्व ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ये हमने रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में देख लिया था कि दिस पोस्ट इज ऑल इंडिया बेसिस पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर। अगर आप, मैंने आपको बताया था CIRM सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी में आप सेलेक्ट होते हैं तो आप अंडर द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, जिनका ऑफिस न्यू दिल्ली में रहता है, एज एन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल अपॉइंट होंगे। और रीजनल ऑफिसेज जो होते हैं वो उनको हेड कौन करते हैं, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल। जो रीजनल ऑफिस होते हैं ना, जैसे अजमेर है राजस्थान में, न्यू दिल्ली का फील्ड ऑफिस है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, नागपुर है, ऐसे जो फील्ड ऑफिसेज होते हैं उनको हेड करते हैं डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल। और कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जो डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के अंडर होते हैं बट वो एएलसीज इंडिपेंडेंट चार्ज में होते हैं, दैट उस एरिया के वो इंडिपेंडेंट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल होते हैं, दे आर नॉट बींग प्लेस्ड इन सम रीजनल ऑफिस। तो देखते हैं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कहां कहां पे अगर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग्स किस किस लोकेशंस पे हो सकती है। देखिए, पूरे इंडिया को जो CIRM मशीनरी है, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत से रीजन्स में बांट रखा है। जरूरी नहीं है कि ये रीजन स्टेट वाइज है, बट कुछ स्टेट को मिक्स करके भी एक रीजन बना रखा है। जैसे चंडीगढ़ रीजन है, चंडीगढ़ रीजन के अंदर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये पांच स्टेट जो हैं वो चंडीगढ़ रीजन के अंदर आते हैं, चार स्टेट प्लस वन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो इसलिए कुछ रीजन्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में और उनके अंदर अमेलगमेट किए गए हैं चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे सबसे पहले रीजन हम देखते हैं अहमदाबाद रीजन। अहमदाबाद रीजन जो है, वहां पे अगर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल सेलेक्ट हो जाते हैं तो अहमदाबाद के अंदर पोस्टिंग हो सकती है आपकी। आदिपुर जो कांडला पोर्ट है, आदिपुर जगह है वहां पे, जहां पे कांडला पोर्ट है, आदिपुर एएलसी आदिपुर हो सकते हैं या एएलसी राजकोट प्लेस होते हैं अगर आपको अहमदाबाद रीजन मिलता है। जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो शुरू में आपको रीजन मिलता है, रीजन के बेस पे आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलता है। तो आदिपुर और राजकोट ये दोनों इंडिपेंडेंट पोस्ट हैं, मतलब दे विल रिपोर्ट टू डिप्टी सीएलसी अहमदाबाद बट दे आर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। ऐसे ही अगर आप अजमेर में सेलेक्ट हो जाते हैं, अजमेर रीजन आपको मिलता है एएलसी में, तो या तो आप एज एन एएलसी अजमेर, अजमेर में दो तीन पोस्ट होती हैं, उदयपुर में एएलसी इंडिपेंडेंट रहेंगे आप, जोधपुर में रहेंगे और कोटा में रहेंगे। तो जैसे मान लो कोटा रीजन में आप एएलसी होते हैं तो कोटा, बूंदी, बारा, जो इस तरह की कई डिस्ट्रिक्ट है ना, कई डिस्ट्रिक्ट के चार्ज होते हैं एज एन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल। ये एक ज्यूरिसडिक्शन बनाए गए हैं, ज्यूरिसडिक्शंस बनाए गए हैं, उन ज्यूरिसडिक्शंस पे डिपेंड करके आपको पोस्टिंग्स दी जाती हैं। आइए देखते हैं आसनसोल। आसनसोल रीजन में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग या तो आसनसोल होगी या रानीगंज होगी। रानीगंज का ऑफिस बेसिकली दुर्गापुर के अंदर है, एएलसी रानीगंज प्लेस्ड एट दुर्गापुर। ऐसे ही अगर आप बेंगलोर रीजन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो या तो आप एएलसी बेंगलोर रहेंगे, एएलसी हुबली रहेंगे, गुलबर्गा, मैंगलोर। अगर आप भुवनेश्वर रीजन आपको मिलता है आफ्टर सिलेक्शन एज एएलसी तो आपकी पोस्टिंग है या तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल भुवनेश्वर, एएलसी पारादीप, एएलसी अंगुल। अगर आप चंडीगढ़ रीजन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एएलसी चंडीगढ़, या तो चंडीगढ़ के अंदर प्लेस्ड होंगे, या एएलसी करनाल जो हरियाणा की, बेसिकली हरियाणा की ज्यूरिसडिक्शन देखता है एएलसी करनाल देखता है, एएलसी जलंधर, जलंधर बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन देखता है पंजाब रीजन की, ठीक है।
अगर आप चेन्नई रीजन में सेलेक्ट होते हैं, चेन्नई और कोचिन रीजन आपको मिलता है, तो आपको चेन्नई एलसी चेन्नई या एलसी पुडुचेरी, ऐसे ही कोचिन के अंदर दो एलसी हैं, एलसी कोचिन एलसी एर्नाकुलम। फिर रीजन देखते हैं देहरादून और दिल्ली रीजन देखते हैं, आप विल बी यू विल बी प्लेस्ड एज एलसी देहरादून और एलसी बरेली। और अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलती है तो इधर यू विल बी प्लेस्ड इन हेडक्वार्टर, सीएलसी के हेडक्वार्टर में एज एन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आपको वर्क दिया जाएगा, सीएलसी सेंट्रल के हेडक्वार्टर ऑफिस में। हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ पे है? श्रम शक्ति भवन, श्रम शक्ति भवन, ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफिस है, रफी मार्ग पर, रफी मार्ग न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आपकी या तो यहां पोस्टिंग्स होगी, या अगर आपको फील्ड ऑफिस मिलता है तो फील्ड ऑफिस में तीन एएलसी बैठते हैं, न्यू दिल्ली 1, न्यू दिल्ली 2, न्यू दिल्ली 3, तीन एएलसी आप दिल्ली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर बैठते हैं। अगर आपको धनबाद मिलता है तो आपको या तो तीन एएलसी तो धनबाद के अंदर बैठते हैं, धनबाद 1, 2, 3, या आप एज एन एएलसी चाईबासा होंगे या एएलसी हजारीबाग होंगे। गुवाहाटी रीजन के लिए एएलसी गुवाहाटी, एएलसी सिलचर। अगर आप आपका रीजन हैदराबाद और जबलपुर में से है तो हैदराबाद में दो एएलसी हैदराबाद रीजनल ऑफिस में बैठेंगे, एक एएलसी मैंचेरियल एट रामागुंडम में बैठेगा और एक एएलसी विजयवाड़ा। ऐसे जबलपुर में एक एएलसी जबलपुर में, एक एएलसी शहडोल में, एक एएलसी छिंदवाड़ा में, तीन पोस्टिंग है। अगर आपके ट्रांसफर भी होते हैं 3 साल के बाद, जो ट्रांसफर पॉलिसी है कि आपको 3 साल के बाद ट्रांसफर होगा, तो इन रीजन्स के अंदर ही ट्रांसफर होगा, इंटर रीजन ट्रांसफर होगा। 3-6 की एक पॉलिसी है कि एक पोस्ट पे आप 3 साल तक रह सकते हो, जैसे आप मान लो आप एएलसीआईआरएम में 3 साल रहे तो आपको फिर वेलफेयर विंग में 3 साल जाना पड़ेगा। तो मान लो आप जबलपुर रीजन में एज एन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जबलपुर हैं, लेकिन आपको 3 साल और जबलपुर रीजन में ही रहना है, तो आपको वेलफेयर विंग में अगर वहां पे पोस्टिंग मिल सकती है जबलपुर, लेकिन आप 6 साल से ज्यादा जबलपुर नहीं रह सकते, फिर आपको हैदराबाद मुंबई दिल्ली जहां भी है वहां ट्रांसफर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रीजन है कानपुर और कोलकाता। कानपुर रीजन में एएलसी कानपुर है, एएलसी इलाहाबाद है, एएलसी झांसी है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के एक एएलसी होता है, ये नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, ऐसे नहीं रहता। 5-6-10 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक पोस्टिंग दी जाती है एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल की। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक एएलसी है या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ऐसे नहीं है। अगर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हो तो आप कई डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हो। कोलकाता के अंदर आप रहते हो तो कोलकाता 1, 2, सिलीगुड़ी एएलसी और पूरा अंडमान एंड निकोबार, एक एएलसी पूरा अंडमान एंड निकोबार का चार्ज रखता है। अगर आप मुंबई में सेलेक्ट होते हो तो तीन मुंबई के अंदर तीन एएलसी है, एएलसी 1, एएलसी 2, एएलसी 3। एक एएलसी के पास पूरा नॉर्थ मुंबई और पालघर का चार्ज है, दूसरे एएलसी 2 के पास रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई 3 के पास साउथ मुंबई थाने डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही एक एएलसी नागपुर, एएलसी चंद्रपुर। अगर आपका रीजन पटना है तो पटना और पाकुड़, एएलसी पाकुड़, एएलसी पाकुड़ इज अ इंडिपेंडेंट पोस्ट। ऐसे ही रायपुर है तो एएलसी रायपुर। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बताया कि अगर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको सीआईआरएम मशीनरी के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है, तो आप लोगों को ये रीजन में आप को पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप चंडीगढ़ में है, नॉर्थ साइड में है, साउथ साइड में है, तो दीज आर द स्पेसिफिक लोकेशन वेयर यू विल बी प्लेस्ड, वेयर यू विल बी हैंडलिंग चार्ज ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट एट सिंगल प्लेस। तो दोस्तों इसी सीरीज जो है हमारी एएलसी की सीरीज है, इसी सीरीज के अंदर अब हम जो कंटेंट है, सिलेबस के कंटेंट है, उससे रिलेटेड वीडियोस हम आगे लेके आएंगे जो भी हैं। जैसे स्टार्टिंग करेंगे हम कोड्स, जो लेबर कोड्स आ रहे हैं, पास हो चुके हैं लेबर कोड्स, उन लेबर कोड्स से अभी शुरुआत करेंगे हम अपने कोर्स की। और आई अश्योर यू कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, नथिंग विल बी लेफ्ट, नथिंग
फ्रॉम लेबर लॉज और एचआर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो सीरीज, वेब इन दिस सीरीज ऑफ लेबर लॉज स्टेशन. थैंक यू वेरी मच.